नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी न्यूज़। समय हूँ आपका अपना साथी और यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य जी की रैली में एक महिला और हमें मिली हैं। इनकी भी बहुत गंभीर समस्या है, ये जानते हैं इनसे क्या नाम है इनका और कहाँ से आई हैं। जी क्या नाम है आपका? उपासना है मेरा नाम। उपासना जी, कहाँ से आई हैं आप? मंगोलपुरा से। मंगोलपुरा से आई हैं, कहाँ पर पड़ता है? ब्लॉक नूरपुर है, ये किक्कर खजूरी के पास है। किक्कर खजूरी के पास, क्या दिक्कत चल रही है आपको? दिक्कत ये चल रही है, हमारा छत कच्ची है, छत की एप्लीकेशन लगाते हैं तो हमारे सेक्रेटरी साहब ब्लॉक से ही निकलवा देते हैं, कटवा देते हैं नाम, और बारिश पड़ती है बहुत, टपकता है कई बार तो पल टूट टूट के चोट। तो ये समस्या कब से चल रही है आपको? हमें तो हो गए 4-5 साल हो गए इसके। तो जो पिछली योजना में प्रधान थे उनसे कहा आपने कभी? उन्होंने भी कटवा दिया, उन्होंने भी नहीं कहा, उन्होंने भी नहीं सुनी, नहीं सुनी किसी ने। और अब जो नई योजना में बने उनसे कहा आपने? उनसे भी कहा, वो भी ना सुनते, वो भी बस सुनवाई ऐसी कर रहे हैं। कई बार बोला उनसे भी, उनके घर भी गए तो कोई नहीं सुन रहा आपके? कोई नहीं सुन रहा है। तो आपके जो पति हैं वो क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं तो बिल्कुल कच्चे हैं या ईंटें भी हैं उसमें? कच्चे हैं, बिल्कुल कच्चे हैं, कड़ी पड़ी हुई है। हाँ, दीवारों में ईंटें हैं या कच्ची हैं? वो भी कच्ची है। मंगोलपुरा की महिला की भी एक अलग ही समस्या है, इनके घर जो कच्चे हैं, और पिछली योजना में जो प्रधान थे उनसे भी इन्होंने काफ़ी विनती करी, और इनके जो सेक्रेटरी साहब हैं वो इनकी जो मकान का इनका नाम लिख के जाता है उसे बार बार कटवा देते हैं और इनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब आप देखिए, आजकल सभी के मकान पक्के हो चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी नौरपुर ब्लॉक क्षेत्र के गांव मंगोलपुरा की महिला यहां पर हमारे साथ हैं और ये बता रही हैं कि इनके मकान कच्चे हैं और कोई नहीं बनवा पा रहा है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।